आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हरविंदर सिंह सचदेवा और रजनी सचदेवा ने अपने बेटे रमन जोत सिंह के जन्मदिन के मौके पर हवन यज्ञ में विशेष आहुतियां डाली। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्माचार्य एवं मुख्य वक्ता सुरेश शास्त्री ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखन पाल ने मंच संचालन किया। इस दौरान अश्विनी डोगरा ने देशभक्ति के विचार प्रकट किए। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी चंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नल्ली उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैजनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव, राजवीर सिंह, नवदीप भारती, किरण शर्मा, नवीन चावला, अनिल मिश्रा, अमित सिंह, उषा कालिया, ललित मोहन कालिया, अमरनाथ, ज्योति मल्होत्रा, मीनाक्षी शर्मा, कंचन भसीन, तरुण भारी, सक्षम भारी, अनिल भसीन, उषा कालिया, पुष्पा तिवारी, विजय तिवारी, दीपक महाजन सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अगर कोई हमारे लिए कुछ उपकार करता है, हमारे आगे बढ़ने में सहयोग करता है, तो हम उसके उपकार को भूल कर कृतघ्न ना बने। कृतघ्न, जैसा मैंने बताया, किसी के किए हुए उपकार को ना मानने वाला व्यक्ति कृतघ्न कहलाता है। तो हम ऐसा कभी ना करें कि कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है और हम उसके साथ बुरा कर रहे हैं, उसके उपकार का हम अपकार के रूप में बदला दे रहे हैं। तो ऐसा हम कभी ना करें। अपने जीवन में अच्छी बातों को अपनाएं, उसी से हमारे जीवन श्रेष्ठ बनेगा और हमारे जीवन में बदलाव आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सुनकर ही उठकर नहीं जाना चाहिए। अगर हम बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो उसको अपनी दिनचर्या में, कार्यशैली में भी लेके आना चाहिए। होता यही है, हम यहाँ बैठते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन किया, उसके बाद उठे, अपनी दैनिक क्रियाओं पर फिर शुरू हो गए। और जो यहाँ हमें सुनने को मिला, लाभकारी शब्द हमें सुनने को मिले, वो हमें यहाँ से बाहर निकलते ही हमारे दिमाग से डिफ्यूज हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। अगर हम इन्हीं वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में लेकर आए, चाहे कुछ ही ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ लेकर आए दिन प्रतिदिन, तो हमें ये अनुभव होगा कि हमारे अंदर सत्संग में बैठने से लाभ हुआ है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक उन्नति ये अवश्य होती है।